प्रिय भक्तों जय श्री राम स्वामी राम सुखदास जी महाराज के उपदेश गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से प्रकाशित में उनके लेख छपते हैं जिसमें स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं मनुष्य की उन्नति की कोई सीमा नहीं है कमी यह है कि आगे बढ़ने का उत्साह नहीं है आध्यात्मिक विषय में कभी संतोष करना ही नहीं चाहिए प्राधअ के अनुसार मिली उपस्थिति में संतोष करना चाहिए साधन नियुक्त कर्म की तरह नहीं होता है प्रत्युत निरंतर होता है साधक जो भगवान से मिलना चाहता है नाम जप करता है वो निरंतर सावधान रहता है कि मेरा मन भगवान में लगा है कि नहीं वो पल पल में अपने आप को देखता रहता है कि मैं नाम जब कर मेरा नाम जब अंतर हृदय में चल रहा है कि नहीं चल रहा है एक समग्र परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है सब कुछ वही है फिर मन को कहाँ से हटाएं और कहाँ से लगाएं समुद्र और लहरें लहरें अलग अलग हैं पर जल तत्व में क्या फर्क है समुद्र की लहरें उसकी सीमा ऊपर से देखती हैं पर भीतर में समुद्र शांत समुद्र है इसी तरह ऊपर से सृष्टि देखती है पर भीतर एक परमात्मा तत्व है गीता के तेरहवें अध्याय के सत्ताईसवें श्लोक में समम सर्वेशु भूतिष्ठु तिष्टम परमेश्वरम यानी कि हर जगह ईश्वर है स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं शास्त्रों की इदम बुद्धि में न पढ़कर अनुभव करने के लिए पुणे उन्हें बुद्धि का विषय न बनाए बहस नहीं करें तर्क नहीं करें जैसे संसार भगवत स्वरूप है वैसे शरीर भी भगवत स्वरूप है शरीर को संसार से अलग रखते हुए अनुभव नहीं होता है अहम तक सब परमात्मा ही है शरीर संसार का अंश है संसार शरीर का अंश नहीं है हम संसार से सुख लेना चाहते हैं और सुख लेने की चाहना ही अनुभव में खास पाता है संसार मेरे नहीं अपितु मैं संसार के काम में आ जाऊँ ये भाव रहना चाहिए माँ का ऋण कोई नहीं उतार सकता माँ के चरणों में प्रातः साय प्रणाम करें और उनके हाथ का भोजन करें तो प्रसन्न हो जाएंगी प्रसन्न होने से ऋण माफ हो जाता है बिना भूख के भोजन मिल जाए तब भी लाभ नहीं होता अब जब भूख लगे और उस भोजन को करो तो कितना सुंदर लगता है विचार करे कि सत्संग सुनते सुनते इतने वर्ष हो गए अभी तक लाभ नहीं हुआ शरीर का कोई भरोसा नहीं ये परिस्थिति भाव सदा एक जैसा रहेगा नहीं क्या यह संयोग हमें सदा बना रहेगा एक दिन एक भी बात पकड़ लेते तो कितना काम हो जाता श्री शंकराचार्य जी ने कहा है कि मसौदम तस विचार एव अर्थात विचार ही रोग की दया है सत्संग के द्वारा जो विद्युता आती है वह पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती है स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं मैं ज्ञानी हूँ और अज्ञानी हूँ ये दोनों धारणाएं अज्ञानियों की हैं ज्ञान होने पर ज्ञानी नहीं रहता प्रिय भक्तों बोलिए जय श्री राम